नमस्कार, हम हैं जीत कुमार और सब चालू कर दिए हैं न्यूज़टॉक भोजपुरी देखने। दरअसल आज हम रिव्यू करने वाला है एक ऐसी भोजपुरी फिल्म जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है लाखों में एक हमार भैया। यहाँ तो लाखों में एक हमार भैया इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और जानेंगे कि फिल्म की कहानी क्या है, कितना सुगर है, इस फिल्म को देखने में कितना मजा आएगा। चलिए तो पहले हम बात करेंगे कहानी, उससे पहले काम करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, बाकी संग मित्र और दौरदास संग भी इसको शेयर करिए ना। जिस फिल्म का नाम है लाखों में एक हमार भैया, सही बता रहे हैं, ये सब कुछ कर देंगे भैया, कर देंगे सब, वही काम आप लोग भी कर दीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। देखिए इस फिल्म की कहानी ना अपने आप में एक बहुत ही सरल और साधारण सी है। अब आप बोलिएगा कि सच में ऐसा कैसे, ऐसा ही है। इस फिल्म की कहानी एक अंधा भी देख कर बता देगा कि ये कहानी यही फिट होने वाली है। सही है, सुन रहे हैं, कहानी यही फिट होने वाली, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में मतलब जो जो सीन काटे गए हैं वो साफ साफ दिखलाते हैं, बतलाते हैं, और जो मतलब कथाकथित जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो स्क्रीन प्ले इस ट्रेलर में काट कर दिखाया गया है, उससे साफ समझ में आ जाता है कि अगली घटना क्या होने वाली है, उसकी अगली घटना क्या होने वाली है। तो सर आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही सरल सी और साधारण सी। यश कुमार एक बहुत ही नॉर्मल घर में जन्मे हुए एक लड़के रहते हैं और उनकी एक बहन रहती है जो अंधी रहती है, और ये क्लासिकल वाला भैया सिंगर रहते हैं, एकदम मधुर वाला अंदाज में एकदम लोक गीत गाते हैं, तो लोग इनको सुनने के लिए आते हैं भर भर के, और ये रेडियो पर भी गाते हैं। नाम भी इसमें इनका यश कुमार ही है, हाँ नाम भी इसमें इनका यश कुमार ही है, और लोग इनको सुनने के लिए भर भर के आते हैं, रेडियो पर कान लगा लगा कर सुनते हैं। अब आज के ज़माने में यश भैया कौन रेडियो पर सुनता है जी, अब इतना गलत तो आप हो नहीं सकते हैं, लेकिन आप गलत बने हैं यहाँ पर। देखिए इसे कहते हैं हिपोक्रेसी के सारा सीमा पार कर रहा। एक तरफ आप डायलॉग मारते हैं कि लोग आजकल के गायक लोग के लाखों लाखों रुपया लोग दे रहा है सब प्रोग्राम कराने के लिए, और उसमें आप रेडियो पर अपना गाना सुनवा रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा पार करना। मोदी जी बोलते हैं यार, ये हम नहीं बोलते हैं, कम से कम आप तो पार मत करिए ना, ये बहुत ही गलत है यार, इतना गलत आप कैसे हो सकते हैं। और आपको हम बताते हैं और होता क्या है, उसके बाद से कहानी आगे बढ़ेंगी, उसमें देखा जाएगा कि यश कुमार प्रोग्राम करने के लोग पैसा दे नहीं पाते हैं, इनको बहन की शादी करनी होती है जिस लड़के से इनकी बहन चाहती है, प्यार करती रहती है, उनके घर वाले बोल लेते हैं कि नहीं अंधी मतलब अंधी पतों को भैया हम क्यों लाएंगे, क्या मतलब है। तो फिर यश कुमार किसी अगले मीटिंग में जाकर बोलते हैं कि अगली अगर हम अपन बहन की आँखों को लगवा ली तो ब्याह कर लेवे, तो कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं कि जरूर कर ले जाए। उसके बाद से इनके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि 6 लाख रुपया डॉक्टर किरण मांग रहते हैं, जो इनमें डॉक्टर की भूमिका में है किरण यादव। किरण यादव बोलते हैं कि आँख के ऑपरेशन करने के लिए पूरे 6 लाख रुपये लगेगा, तब किसी की आँख हम लोग खरीद कर और इनमें फिट कर देंगे, फिर ये देखने लगेंगे। उसके बाद से तो पैसा खोजते हैं, यश कुमार नहीं मिलता है, जहाँ प्रोग्राम करते हैं, जहाँ रेडियो पर गाना गाते हैं, वो लोग भी नहीं दे पाते हैं। उसके बाद से बहुत मजबूर होते हैं, कभी कभी तो दारू पीने भी लगते हैं। उसके बाद से ये सोच लेते हैं कि अब हम भीख मांगे, चले जाते हैं हारमोनिया लेकर और अपने साथ में महेश आचार्य को पकड़ लेते हैं, बस स्टैंड पर गाना गाने लगते हैं और गाते गाते पैसा खूब जुटाते हैं। अब पैसा जुटाते हैं लेकिन जुट पाता है कि नहीं, ये चीज़ ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। उसके बाद से बहन का ऑपरेशन हो रहा होता है, जैसे ही आँखें खुलती है बहन भैया भैया पुकार रही होती है, और फिर भैया सामने आते हैं और बोलते हैं कि बहन हम तो यहाँ हैं। इसके बाद से दिखाया गया है कि यश कुमार अंधे हो गए हैं। तो फाइनली कहानी यही है कि बहन की आंख नहीं है, भाई प्रयास करके भी बहन को आंख नहीं दिला पाता है, तो फिर अपने ही आंख को डोनेट कर देता है और डॉक्टर को बोलता है कि हमारे आंख लगा दीजिए, लेकिन हमारे बहन को दुनिया दिखा दीजिए, हम उसी की आंखों से अपने आप को देख लूँगा। तो फाइनली ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसको आप अगर बैठ जाएगा सिनेमा हॉल में देखने ना तो बोलेगा अरे यार ये कहानी रौलव है, ये तो ऐसा ही समझ में आया। देखिए कहानी पेचीदा पंज थ्रिल मतलब रोंटा करना खड़ा कर दे, तो फिर कहानी देखला के क्या फ़ायदा, कहानी देखला के क्या फ़ायदा, लोगों ने कहा इतना समय तो बाना। अब फाइनली इतना की कहानी लेके अब यश कुमार जी का करियर हमके नहीं कह पता। आई इतना वाला कहानी के बाद अब बात कर रही जाए भैया बाकी चीज़ के बारे में भी। तो सर बता दीजिए फिल्म का अगर देखी तो निर्माता खुद यश कुमार ही बणन, हाँ यश कुमार बणन, यश कुमार के मेहरारू बाड़ी, ये दोनों जना मिलकर निर्मातित कल बढ़न जाए। अब दोनों जना कल बढ़ेंगे, एक जना कल बढ़ जाए, नाम भलो दुनिया ने कोई कल लड़को हो तो वो के नाम डाल दिया जाए, भाई में क्या करे बटे अपना मन के सामने सुन और लोग कहे बोट नाम। बाकी फिल्म के डायरेक्ट कल बनी
सुजीत वर्मा। अब सुजीत वर्मा के डायरेक्शन में करे कि कुछ रही नहीं कुल, जब साफ साफ मैं स्क्रीन प्ले यश कुमार लिख दिल बड़न, तो यश कुमार के लागल कि यार हेंग हेंगे कह दो ना जब बेगन हेंग ने कह दो, देखो फिर हेंग ने कह दो, हई सीन हेंगे कह दल जाए यार। फिर एमें सुजीत कुमार वर्मा के हमको जहाँ तक उम्मीद बटे कि वो कुछ ना कैल होखियन, बस बैठ के अगर LCD पर देख ले लोग वही ढेर बटे, ना तो संगे संगे कैमरा के संगे संगे खड़ा होखियन। बाकी हमको नहीं खेला कुछ इनकर मन वाला भी उम्मीद चलल हो कि जहाँ तक हमार पूरा उम्मीद बटे। बाकी फिल्म के अगर बात कल जाओ कथा पथकथा संवाद, तो सुरेंद्र मिश्रा लिखल बड़न, जो में मतलब यश कुमार भी मदद कैल बड़न पथकथा लिखे में, हाँ तो वो भी मदद कैल बड़न। तो फिर का ही कहल जाए, बाकी फिल्म के अगर देखी तो म्यूजिक साजन मिश्रा के बाद, देखिए म्यूजिक में भी कोनो उधार नहीं है, जो ना कि सुनला के बाद रोमा गुनगुनाए पर मजबूर हो जी, उधार नहीं के दिखा दे रोमा देखम तो पता चल जी। तो फाइनली म्यूजिक में भी कोनो उधार नहीं है, जो ना कि देख के सुन के ई मन करे कि यार एक बार बार शायद सुनल जा सकत अटे, ए पर बार बार रील्स बनावल जा सकत, तो वो भी ऐसा चीज नज़र नहीं आ। बाकी अगर बात कर जाए यश कुमार के, देखिए यश कुमार के अक्सर एक्सपेरिमेंट करे के ना एगो ना कह रहा है कि अंदर उनका जिज्ञासा रहेला, तो हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर, एवरी कैमरा वाला मतलब एक्सपेरिमेंट कैल हन, गायक वाला कैल हन, तो फाइनली अब रोमलोग देखम तो मालूम चल जाए अब हम ना कुछ कम ना तो कम तो लोग कह खाली नेगेटिव है भैया, पॉजिटिवो कुछ बतेब तो भैया आप तो हम लोग देखो जा खुद पेजिटिव निकाला जाए, अब हम का ही कह सकें। बाकी में केतकी शर्मा, प्रीति सिंह, किरण यादव, बीना पांडे, राधे कुमार, काजल झा, महेश आचार्य और संजय सोलंकी जैसे स्टार कास्ट लो अपन अपन मतलब का ज़्यादा दे ले बढ़ महेश आचार्य अगर थोड़ा सा बात करें तो महेश आचार्य हर बार वही पैटर्न मतलब इनका जगह पर केहू के भी लिया जाए तो कौनो फर्क नहीं के पड़े के, कौनो फर्क नहीं के पड़े के। तो फाइनली अगर देखा जाए तो टेलर कोनो बहुत बड़का 30 मार खान नहीं है, जो ना कि देखला के बाद मजा आ सके। ये फिल्म हमको जहाँ तक उम्मीद बटे सिनेमा हॉल में जाए वाला नहीं है, ए तरह के फिल्म अगर लोग देखे जाए लगे हैं भर भर के तो हमको नहीं या तो लोगों के दिमाग बोरा में घरे धो के जइन, ना तो ए तरह तो ना ही जा पैन। तो बाकी इतना ही रिव्यू में, रघुवा के रिव्यू कैसा लागल जरूर बताएं। बाकी राम जीत सलाम।